अपनी जिंदगी की वो कहानी जो हमेशा मैंने तुमसे छुपाए रखी। Hey guys, welcome back to my channel. So हम रिएक्शन करने वाले भाई ओनली देसी की वीडियो पे। अगर अच्छा लगे रिएक्शन तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। So 1 2 3 let's go. Starring Rakhi, the national Vidwa Aurat of Bollywood, whose expertise lies in training her sons to kill unke baap ke gunegar in every Bollywood movie. So get ready for some more of Tachuti Appa with Punarjanam bullshit. Karan Arjun. जैसे राखी आंटी को हर मूवी में विधवा का रोल चिपकाया जाता है, जैसे राजेश अंकल हर गाने में दूसरों के ट्यून्स चिपकाते हैं, वैसे ही मैं भी आ गया हूँ तुम लोगों को स्टिकर्स चिपकाने। अगर तुम लोग स्टिकर्स से अपने गैजेट्स को अपना पर्सनल टच देना चाहते हो तो A movie that cannot start with one of these disclaimers, because let me tell you, they beat the fuck out of them horses in this one. Oh, oh, और भाई को तो पता है ना, ब्लैक कलर का कुछ भी दिख गया तो बकरी माँ की। भाई so get ready for fun. भाई मैंने इतना नोटिस नहीं करा था भाई, जब मूवी बहुत बार देखी मैंने। That won Filmfare Award for Best Editing. इतनी अच्छी एडिटिंग की है कि वो एक क्रू मेंबर जो बूम माइक पकड़ के खड़ा है उसको फ्रेम से निकालना ही भूल गए थे। उत्तरी व्हाट अ जोक। मीट करण एंड अर्जुन, द बिगेस्ट मदर लवर्स इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड, हु आर एडिक्टेड टू उनकी माँ के चरण। Okay, I get it. It's about maa bete ka pyar, but this is borderline creepy. Tere khali haath dekhkar na, hamara kaleja jalta hai maa. Watch these two grown-ass men running across a field, waving churiyas, playing sword with lakdi. If your 30-year-old sons do stuff like this, take them to a fucking hospital. But Durga Devi loves her sons. Mere dono bete sabse aage hain. Auntie, aapke bache patthar khichte hain. I wouldn't brag about them too much. In tino ka din is consist of going to a temple, fir wahan se aate aate dusro ki ghar ki diwar pe chalk se apna naam likhna. And then Maa is like, let's just hold each other's hand and lean on the wall for a few minutes, because why the fuck not? फिर अर्जुन पूछता है अब हम क्या करेंगे माँ? तो माँ कहती है अब हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुच्चू गाड़ी बनाएंगे। अरे यार, I don't wanna do this. Ma, don't you think we look stupid as shit right now? पागल बुढ़िया। यार ये बंदा भाभी जी घर पे इतना फेमस हो गया ना भाई, ये बंदा बहुत डिजर्व करता है। देखा, एक अब्यूजिव फादर ना हो तो ऐसी हो जाती है फैमिली। It's a joke, केस फाइल मत कर देना। What a joke. आज करण अर्जुन माँ के लिए चूड़ियां लाए हैं, जिसे देख के माँ की फड़ जाती है। Curious are Ma's kryptonite, क्योंकि वो confidential विधवा है। But that same night comes मुंशी जी। बड़े ठाकुर ने धन ने हवेली बुलाया। लेकिन माँ वहाँ कभी नहीं जाएगी, इसलिए वो कहती है कौन सी हवेली जिसके दरवाजे हमारी तकदीर पर बदनसीबी के ताले बन गए? कौन सी हवेली जिसके दीवे जख्मों के निशान अब भी कलेजे में बाकी है? कौन सी? आंटी, you know, you can just say no, right? Yeah. ये सुन के अर्जुन करण के कंधों पे हाथ रख के उठता है, because that's totally normal. बड़े ठाकुर कौन है माँ? Now the answer is very simple. बड़े ठाकुर तुम्हारे दादा है। लेकिन वो कहती है कई बरसों से अपने दिल में एक राज के चिंगारे दबाए रखे थे। मुझे क्या मालूम था वक्त की हवा उसे ऐसे भड़काएगी। अपनी जिंदगी की वो कहानी जो हमेशा मैंने तुमसे छुपाए रखी, आज वो सच्ची। एंड आफ्टर दो चार और फालतू की बातें, अर्जुन बहुत ही गंदी एक्टिंग करते हुए कहता है हम उस घर की सीढ़ी पर भी पैर नहीं रखेंगे जिसने तुम्हें गरीबी और बदनसीबी की टोकरी में डाल दिया। लेकिन माँ कहती है भावनाओं की चोट जब दिल पर लगती है तो नफरत के ज्वाला। अरे यार पागल बुढ़िया। एंड द नेक्स्ट डे दे गो टू हवेली, जहाँ चलने के लिए वॉकवे है, लेकिन ये चूतिए लॉन के ऊपर से ही होते हुए जाएंगे। आई हेट दिस फैमिली। हवेली में वो मिलते हैं बड़े ठाकुर से, जिनकी शक्ल छुआरे जैसी हो चुकी है। डूड, सच में सेट पे ही ना मर जाए। बड़े ठाकुर हवेली दुर्गा के नाम कर देते हैं। हवेली की मालकिन तुम हो, ये लो। तभी कम्स हिज नेफ्यू दुर्जन सिंह। इस हवेली का एक एक तिनका मेरा है। और वो करण अर्जुन की पिछवाड़े में तलवार डाल देता है। But they wouldn't kill Durga, even though हवेली दुर्गा के नाम पे थी, करण अर्जुन के नाम पे नहीं। हवेली की मालकिन तुम हो। And now Ma wants new pair of betas. And after some emotional blackmail, काली माँ responds करण and अर्जुन। मालिक जब इतना खर्चा हो ही गया था तो पति को भी जिंदा करवा लेती। Oh no. Imagine you're 50 and you have a 20-year-old horny ass husband. Yeah, let's just not do that. और जब तक ये बड़े होके वापस नहीं आ जाते, Ma spends her time, you know, just casually bleeding from every part of her face.
she really needs to have a first aid kit handy. Pagal budiya. Karan, aka Ajay, is now a fighter. Who has the stupidest hand placement for a fight? Bhai, you can let your guards down a little bit. वो मिलता है मिस्टर सक्सेना से जो उसे पैसे देते हैं लेकिन वो पैसे लौटाने उनके घर जाता है और उनके घर पहली बार जाके फोन की रिंग सुनते ही वो सोचता है उठा लेता हूँ इस लाइफ में भी इनको मैनर्स नहीं है फोन के अदर साइड है विजय who is really horny right now. मैं यहाँ पे मेहमान हूँ चलिए मेहमान ही सही आपसे मेरा दांत तो जुड़ गया टेलीफोन का और हो सकता है यूं ही बातें करते करते हम दोनों के दिल के तार भी जुड़ जाए अजय को पसंद करती है बिंदिया जिसे बचपन से ही एक अब्यूजिव हस्बैंड चाहिए था बचपन में एक थप्पड़ खाया था मैंने मारा था गाल पे लेकिन छप गया दिल पे लेकिन अजय डजंट लाइक हर बिकॉज़ हर बूब्स आर नॉट प्रोमिनेंट तू वो लड़की कराने में शक्ल देकर किसी भी कोने से लड़की दिखती है लाइक आई वांट टू सपोर्ट हर एज अ टॉमबॉय बट एट द सेम टाइम दिस बिच इज लाइक अबे छक्के अरे चल भाग हिजड़े कहीं के किसी भी कोने से लड़की दिखती है सो शी गोज बैक होम एंड मेक्स श्योर दैट शी स्टिल गॉट देम एक Do. And the next day she introduces him with her best friends. Lekin Bindiya ki chudiya reminds him of his mom. Maa ki chudi? On the other side, Vijay loves his horse riding student, Sonia. But I think she wants to ride something else. Watch these two doing the most sexually provocative dance moves. Jahan he's just staring at her boobs. She's attacking his nunu. I don't know what it is, but he's definitely enjoying that booty. There is a lot to take in this one. और ना ये सब बकचोदी करने के बाद ही लड़कों को याद आता है कि क्या मैं तुमको वो सब सुख दे सकूंगा दौलत से इंसान कीमती बिस्तर खरीद सकता है मगर नींद नहीं खरीद सकता दौलत से इंसान रोटी खरीद सकता है मगर भूख नहीं दौलत से इंसान जिस्म खरीद सोने जस्ट शट अप लेकिन हर डैड डजंट लाइक द फैक्ट कि उसने चार दिन पहले मेरी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला कर लिया है जीवन साथी बनाने का फैसला ही नहीं किया है और तभी इन दो भाइयों के बीच में घमासान युद्ध होता है एंड आफ्टर रियली बैड VFX लाइटनिंग अजय विजय को जेल जाने से बचा लेता है और विजय की जगह अजय को जेल जाना पड़ता है बिकॉज यू नो जेल जाने की एक्टिंग इंजची कौन कर सकता है इज जस्ट सो नेचुरल अब विजय अजय को थैंक यू बोलने जेल जाता है अरे भाई साहब वो जीप में बैठने वाली शक्ल देखी थी डबल कहां पे यहां पे इंजची कौन कर सकता है इज जस्ट सो नेचुरल अब विजय अजय को थैंक यू बोलने जेल जाता है वही जेल जहां की पुलिस उसे खोज रही है एंड नाउ अगर बच्चे देख रहे तो उनकी आंखें बंद कर दो क्योंकि शिट इज अबाउट टू गेट रियल That was hot. कोई टोर है जो हमें एक दूसरे के करीब खींच रही है अजय से मिलके विजय के चेहरे पे ऐसा निखार आया है कि उसका फेस थोड़ी देर पहले ऐसा था अब उसके चेहरे पे एक स्क्रैच भी नहीं सही बात लेकिन यहाँ दुर्जन सिंह सोनिया की शादी अपने बेटे से करवाना चाहता है और अब सोनिया को बचाने के लिए विजय पालन खेड़ा जाएगा जहाँ एवरीथिंग सीम्स फेमिलियर टू हिम क्योंकि 20-25 साल में भी देयर इज एब्सोल्युटली सही बात है भाई नो डेवलपमेंट इन द विलेज अब विजय को सब कुछ याद आ चुका है तो वो सिटी वापस जाता है अजय को लेने के लिए भाई तो यहाँ पे सोनिया को दुर्जन सिंह से बचाने आया था जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों में झापड़ खाती है But screw Sonia, he goes back to city and after casually killing a police officer, वो अजय और बिंदिया को गांव ले आता है बेटों के आने की खुशी में माँ ने फाइनली शावर ले लिया एंड हु द हेल इज दैट That's not Bindiya. Yes. Now it's finally time to save Sonia. After some dance and celebration to banta hai na. Phir jisko jaisi marzi waisa dance karne ke baad they finally get a chance to rescue Sonia at a temple and they decide to dance again. Agle din they distract Durjan Singh and his men so they can sneak in Haveli and rescue Sonia. Can we please stop dancing and just rescue Sonia? Aur tabhi Sonia ke papa kehte hain tumhe is nark mein aur chalta hua nahi dekh sakta. मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है तुझे बेच ये वही बाप है जिसने कुछ दिन पहले तुझे एक झापड़ मार के बोला था आज के बाद कमरे से बाहर निकली तो गोली मार दूंगा मैंने बड़े लाड प्यार से पाला है तुझे And obviously बेटी was a bait Now Durjan Singh is here who is a gun dealer इसलिए उसके आदमी हाथ में तलवार लेकर आए हैं तभी विजय दुर्जन पे अटैक करता है लेकिन उसकी गुलेल में कभी पत्थर तो होता नहीं है
तो एक आदमी को धीरे से कंकड़ फेंक के मारना पड़ेगा। एंड नाउ एंजॉय द गूफी विलेज वर्जन ऑफ होम अलोन, जिसमें मूवी मेकर्स ने घोड़े के लोड लगा दिए। देखिए कैसे करण अर्जुन एफर्टलेसली सभी बैड गाइस को मार। No one does that in the middle of a f***ing fight. Finally, Durjan Singh catches them off guard. And they both take bullets in their palm and act like nothing happened. और इसी के साथ माला पे Durjan Singh चढ़ जाता है. लेकिन करण अर्जुन ने अपने डोनट जैसे हाथों के साथ क्या किया? Well, they found a creative way to play with their meat. I mean vegetable. करण अर्जुन, जिंदगी मिलेगी दोबारा. Oh, hello, Desis. If you enjoyed the video, then please hit that like button. भाई मजा आ गया यार, मजा आ गया, ब्रो मजा आ गया. देसी ठीक है, मैं ओनली फैंस कहने लगा। सो अगर आपका रिएक्शन है प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो भाई मुझे बहुत क्रेजी लगती है इसकी वीडियो। ठीक है, समझते नहीं कि वो नॉन स्टॉप रहे।